कोविड टीकाकरण अभियान के तहत शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित 66 केंद्रों पर 12,691 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 9,536 और सेकेंड डोज लेने वालों में 3,155 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिले में 2 अभिभावक स्पेशल तथा 2 महिला स्पेशल बूथ बनाया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम में 1 बूथ पर ठेला खुमचा वालों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को 10,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और लक्ष्य के सापेक्ष टीकाकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव की एकमात्र हथियार टीकाकरण ही है, इसलिए कोविड का टीका अवश्य लगवाएं और सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीनेशन कराने वाली मुस्कान वर्मा और सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, नाम मुस्कान वर्मा है। आपने वैक्सीनेशन के लिए कब आई और कब लगा? हम वैक्सीनेशन के लिए 15 मिनट पहले आए हैं। 15 मिनट में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया और मुझे वैक्सीनेशन लग भी गया। जो लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहे उनसे क्या? वो आके लगवा लें, इसके बाद आप श्योरली सेफ फील करेंगे। सर आप कितने सेंटरों में देखेंगे? आज हमारे जिले में 66 सेंटरों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें हमारे जिले अस्पताल, महिला पुरुष, बिहारी मेडिकल कॉलेज, संक्रामक रोग और हमारे CSC PSC पर वैक्सीनेशन हो रहा है। इसमें से 2 अभिभावक स्पेशल भी हैं, 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहे हैं, 1 नगर निगम में हमारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वैक्सीनेशन केंद्र चल रहा है। तो इस तरह से हमारे 66 केंद्रों पर आज वैक्सीनेशन हो रहा है। करीब 10,000 से ज़्यादा का हमें वैक्सीनेशन करना है और हमारे सेंटरों पर पब्लिक की काफ़ी भीड़ लगी हुई है और सभी सुचारू रूप से वैक्सीनेशन हो रहा है।